गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी. आई होप यू मस्ट हैव लर्नड ऑल दीज यूनिट्स. आई टोल्ड यू अबाउट ऑल दीज यूनिट्स इन द फर्स्ट वीडियो दैट इज़ यस्टरडे. नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? मेमोरी इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इन अनदर टू पार्ट्स, दैट इज रैम एंड रोम. एंड सेकेंडरी मेमोरी, there are so many parts in under secondary memory. First is hard disk, then CD, DVD, Blu-ray disk, pen drive and memory card. So let's start with primary memory. The primary memory is also known as the main memory or the internal memory. Primary memory is known as main memory or the internal memory. Why it is known as internal memory? Because like pen drive or memory card, we cannot take out these memory chips from the computer, or we cannot attach from outside also like pen drive. The primary memory is directly accessible to the CPU. The CPU reads the instructions stored in the primary memory continuously and executes them as and when required. जो प्राइमरी मेमोरी होता है, इट कैन ओनली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, एंड सीपीयू रीड्स द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन दिस मेमोरी एंड गिव अस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट. द प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी. फर्स्ट वन इज रैम. RAM is read write memory. That means we can change the data that is already saved in a RAM. RAM में जो data saved है, हम उसको change कर सकते हैं. That is why it is known as read and write memory. Information can be written onto and read from RAM. When a RAM computer starts, it loads the operating system into RAM. When a computer starts, student, जब computer on होता है, it loads the operating system. Operating system I told you ना, like Windows 7, Windows 10, a software that is used to manage the computer or help us to run a computer. तो जो operating system है, वो computer के hard disk में save रहता है. But जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, तो हार्ड डिस्क से निकल के ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आ जाता है. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रोग्राम, यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द प्रोग्राम लोडेड इन द रैम. सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, वो हार्ड डिस्क में तो परमानेंटली सेव है ही, लेकिन जिस टाइम हम उसको यूज़ करते हैं, वो उस टाइम रैम में आ जाता है. However, RAM is a volatile memory. RAM is a volatile memory. That means it retains the stored information as long as the power is on. When the power supply is switched off, the stored information in the RAM is lost. Yes, students, as soon as the computer is switched off, all the data saved in the RAM are gone. जितने भी data RAM में save रहता है, वो जब भी हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं, सारे डेटा डिलीट हो जाता है, वापस सारे डेटा हार्ड डिस्क में चला जाता है. द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर अफेक्ट्स द नंबर एंड साइज ऑफ प्रोग्राम दैट अ सिस्टम कैन रन साइमल्टेनियसली. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. यू ऑल कैरी योर स्कूल बैग विथ यू व्हेन यू गो टू स्कूल. जब आप स्कूल जाते हो, तो आप अपने स्कूल बैग ले जाते हैं, एंड इट कंटेन्स बुक्स एंड कॉपीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स.
बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स एंड कॉपीज़ कहाँ रहती है आपके स्कूल बैग में? मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, EVS, आर्ट, ऑल द बुक्स एंड कॉपीज़ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर वन बैग. एक ही बैग में सारे बुक्स और कॉपीज़ आप ले जाते हो. नाउ सपोज आपका इंग्लिश का पीरियड चल रहा है. सपोज़ योर इंग्लिश टीचर्स कम एंड टोल्ड यू टू टेक आउट योर बुक्स एंड कॉपीज़ फ्रॉम योर बैग. आप अब क्या करोगे? बुक और कॉपी इंग्लिश की आप निकाल के अपने टेबल पे, डेस्क पे रख देते हो ना. डेस्क मीन्स जो टेबल जहाँ आप रख के लिखते हो. जैसे मेरा अभी ये बुक एक टेबल पे रखा है, तो दिस इज़ अ डेस्क. ओके, अब सपोज अगर आपको डेस्क ना दिया जाए स्कूल में, सिर्फ चेयर दे दिया जाए बैठने के लिए, तो आपको वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम होगी. आप अपने लैप पे, अपने हाथ पे रख के जब लिखेंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी. तो डेस्क क्या करता है, आपके काम को ईजी बना देता है. बैग में भी आप अपना बुक एंड कॉपी रख के नहीं लिख सकते हो. कैसे करोगे? बैग के अंदर तो बुक्स ओपन ही नहीं होंगी. तो सपोज़ करो जो आपका डेस्क है वो है रैम, और आपका जो स्कूल बैग है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, रैम एंड हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर, सारे डेटा कंप्यूटर के सेव रहते हैं. रैम आपका हो गया डेस्क, और हार्ड डिस्क है आपका स्कूल बैग. रैम में सिर्फ उतनी ही चीज़ें आती हैं हार्ड डिस्क से निकल के जितनी हमको ज़रूरत हो. अब इंग्लिश के पीरियड में हमको सिर्फ इंग्लिश की बुक की ज़रूरत है, तो डेस्क में हम सिर्फ इंग्लिश की बुक रखेंगे. सपोज़ इंग्लिश पीरियड के ही बीच में मैथ्स की मैम आ जाती हैं कोई नोटिस लिखवाने के लिए, तो आप अपनी डायरी निकालते हो ना बैग से. अब डेस्क में आपका इंग्लिश की बुक तो है ही ना, अब उसको आप हटा तो दोगे नहीं, साथ में आप अपनी डायरी भी रख दोगे. तो एक साथ आप दो काम कर रहे हो एक ही डेस्क में. ऐसे ही रैम भी करता है. अगर आप पेंट करना चाहो, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्क में आ ही गया है, साथ में आप पेंट, MS Word जो भी करते हो वो भी रैम के पास चला जाता है, ताकि आप इजीली वर्क कर सको. सपोज़ अगर रैम ना दिया जाए तो हार्ड डिस्क से डायरेक्टली काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जैसे कि स्कूल बैग के अंदर से बुक को ओपन करना. अगर हम लोग को डेस्क ना दिया जाए तो बिना डेस्क के हम लोग को प्रॉब्लम होगी. स्कूल बैग के अंदर तो हम प्रोग्राम ओपन करेंगे नहीं. और फिर यहाँ क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर एफेक्ट्स द नंबर एंड साइज ऑफ प्रोग्राम्स दैट अ सिस्टम कैन रन साइमल्टेनियसली. मतलब रैम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही स्पीड प्रोग्राम का अच्छा होगा. क्यों? अगर हमको जो क्लास में जो डेस्क होता है उसमें 2 स्टूडेंट्स आप लोग बैठते हो, राइट? लेकिन अगर किसी दिन क्लासेस कंबाइंड हो जाती है, एक स्टूडेंट में 3 or 4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आपको अपना सामान रखने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं? जगह छोटा पड़ता है कि नहीं? जितनी बड़ी जगह होगी उतना इजीली होगा आपको अपना सामान रखने में. वैसे ही कंप्यूटर में जितना बड़ा साइज़ होगा रैम का उतना ही ईजीली वो वर्क करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. लेट्स मूव ऑन टू रॉम. ROM is a computer memory on which data is pre-recorded. ROM एक memory है जिसमें data पहले से ही recorded रहता है. Once data has been written into a ROM chip, it cannot be removed but can only be read. अगर ROM में एक बार कोई data save कर दिया गया, उसमें अब कोई भी changes नहीं हो सकती और उसको हम लोग remove भी नहीं कर सकते हैं. Thus ROM is अ रीड ओनली मेमोरी. रॉम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि हम इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं. रॉम इज़ अ नॉन वॉलाटाइल मेमोरी, दैट मीन्स इट्स डेटा डजेंट गेट लॉस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर, एज इट रिटेन्स द कंटेंट इवन वेन द पावर इज स्विच ऑफ. जैसे रैम में होता था ना कि पावर जैसे ही स्विच ऑफ होता था, जैसे ही हम लोग को सपोज करो स्कूल का पीरियड ख़त्म होता है, तो हम लोग जैसे इंग्लिश का पीरियड ख़त्म हुआ तो इंग्लिश का बुक वापस कहाँ चला आता है? बैग में ना. तो वैसे ही रैम में जो डेटा रहता था वो
जैसे ही पावर स्कूल आपका कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है, वो डेटा वापस हार्ड डिस्क में चला आता है, लेकिन रोम का जो डेटा है वो परमानेंटली सेव रहता है। इन मोस्ट कंप्यूटर रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। रोम में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, दैट इज BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। This software helps to load the operating system when the computer is switched off. ये जो software है वो operating system को load करने में, that means it helps in the process of booting. Booting मैंने बताया था, means booting is the process of starting of a computer. तो उस काम को करने में ROM help करता है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? Primary memory. In primary memory, there are two types of memory. First is RAM and second is ROM. Let's move on to the secondary memory. Before moving on to secondary memory, there is a very interesting exercise in given in your book. This one. Put the following features under the correct columns, RAM or ROM. इसमें आपको कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, उसको आपको करेक्ट हेडिंग के अंदर लिखना है। आपको ये खुद से करना है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। जस्ट रीड आउट द चैप्टर एंड यू विल गेट योर आंसर ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी। दीज थ्री आर आल्सो द नेम्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी: auxiliary memory, external memory and backup memory. The computer's primary memory has a limited storage capacity and does not store data permanently. Yes, we know primary memory means RAM and ROM. RAM and ROM में बहुत ही limited, बहुत ही कम data एक बार में store होता है and it cannot store your data परमानेंटली। मतलब रोम तो बस एक सॉफ्टवेयर ही अपने अंदर सेव करके रखता है और रैम भी जो प्रोग्राम हम उस टाइम यूज़ करते हैं उसको करता है, तो जो प्रोग्राम हम नहीं यूज़ करते वो कहाँ जाके सेव होता है। दिस इज़ वाई यू नीड टू यूज़ सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बनाया गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। हम लोग लंबे टाइम तक परमानेंटली इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में मैंने तो थोड़ा आपको बता ही दिया है रैम बताते टाइम। लेट्स रीड इट। अ हार्ड डिस्क इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड अ कंप्यूटर। सबसे मेन सेकेंडरी स्टोरेज होता है ये, जो कि कंप्यूटर के अंदर इनसाइड अ कंप्यूटर रहता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क। कोई भी वर्क जो आप कंप्यूटर में करते हो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक के जो मेमोरी देखे, रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ऑल आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। अब इसके बाद हम जो मेमोरी देखेंगे वो सारे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फर्स्ट इज सीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क आर सर्कुलर इन शेप एंड कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा। दे कैन बी ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। They can be easily carried from one place to another. Most of the programs and games that you use on your computer are available on CDs. CDs can be of two types. Students, आप लोगों ने CD देखा होगा। It is in circular in shape like this. It is an external storage device which is used for storing data like softwares, movies, games, etc. The CDs are of two types. CDR and CDRW. CDR, it is called recordable CD. Data once recorded on it cannot be removed. जो CDR है, it is like ROM. इसमें हम लोग अगर कोई भी डेटा एक बार
सेव कर देते हैं तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, बट इन सी डी आर डब्ल्यू इट इज़ कॉल्ड रीराइटेबल सी डी. डेटा रिटन ऑन द सी डी आर डब्ल्यू कैन बी इरेज्ड एंड न्यू डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन इट. लाइक पेन ड्राइव में हम लोग एक बार डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डीवीडी. अ डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, लुक्स लाइक अ सीडी. डीवीडी जो है वो सीडी के जैसे ही दिखता है. अ डीवीडी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 times मोर डेटा देन अ सीडी. बट द मेन डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी स्टूडेंट्स दैट सीडी कैन डीवीडी कैन स्टोर मोर स्पेस एज़ कम्पेयर टू सी डी. डी वी डी जो है वो 6 times मोर डेटा सी डी से ज़्यादा स्टोर कर सकता है. ऑल्सो डी वी डी कैन बी सिंगल और डबल साइडेड. जो सी डी होती है वो सिंगल साइडेड होती है, मीन्स सिर्फ एक साइड से ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट डी वी डी जो होती है वो डबल साइडेड होती है. अ डी वी डी कैन बी यूज टू स्टोर मैनी मूवीज. इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टोरिंग मूवीज बिकॉज मूवीज आर वेरी लार्ज इन साइज. नेक्स्ट इज ब्लू रे डिस्क. द नेम ब्लू रे डिस्क इज डेराइव फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर दैट इज यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क. इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. ब्लू वायलेट लेजर का यूज होता है इन एक, ये भी एक तरह का सी डी ही है विच इज़ ऑल्सो सर्कुलर इन शेप and you can also read or write data in it. A Blu-ray disc can store more than DVD. Students देखिए, पहले CD आया, CD से ज़्यादा data store कर सकता है DVD, now DVD से भी ज़्यादा data store कर सकता है Blu-ray disc. A Blu-ray disc can store more data than a DVD. A Blu-ray disc can store 25 GB of data, which is over 5 times than the storage capacity of a DVD. DVD जो है वो CD से 6 times more data store कर पाता था, लेकिन जो Blu-ray disc है वो DVD से 5 times ज़्यादा data store कर सकता है. It is mainly used for storing very high quality videos, video files and वीडियो गेम्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस. ये बहुत ही हाई क्वालिटी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है जो कि ज़्यादा स्पेस लेता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इज पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव. अ पेन ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. It can be easily carried in a pocket or a keychain. A pen drive can be used to store and transfer data from one computer to another. Students, pen drive are usually very small in size, which you can carry in your pocket or in a pouch, in your purse. Unlike DVD or CD, which are not possible to carry in your pocket. Okay? Mostly pen drive is used for storing data and for transferring data from one computer to another. It can be connected to the USB universal series bus port of a computer. The place where we insert a pen drive in the CPU is known as a USB port. जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं सीपीयू बॉक्स में, दैट इज़ नोन एज अ यूएसबी पोर्ट. सी चिल्ड्रन, दिस इज़ अ पेन ड्राइव. हम लोग पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं ना, आप लोग ने अपनी घर में भी किसी को देखा होगा पेन ड्राइव कैरी करते हुए. दिस इज़ नोन एज अ यूएसबी पेन ड्राइव. और जहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ नोन एज यूएसबी पोर्ट. Next is a memory card. A memory card is small in size and used to store data in various electronic devices like mobile phones, digital cameras, MP3 player and many other portable devices. Students, in your mobile, in cameras, memory card is used.
it is used for extend the memory capacity of a device. अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड यूज़ किया है तो आपका जो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी होगी मोबाइल की वो बढ़ जाती है. मेनली ये मोबाइल कार्ड्स, कैमरा, MP3 प्लेयर्स में यूज़ होता है. एंड यू कैन स्टोर डेटा लाइक ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, एवरीथिंग ऑन इट. This is also an external storage device because you can also remove it or change it in future. So students, here this is the end of your chapter number 2, that is computer memory. In the previous class, like I told you, you need to read the chapter very carefully and you need to read it by standing in front of a mirror and read this chapter at least 2 times. Underline the words which you found difficult, write their meaning from dictionary or from Google, and if you have any doubt you can ask me. Feel free to ask me, students. I am there to help you out. Okay students, we will meet in the next class with the exercises. Till then, bye bye, take care of yourself.